हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज का टॉपिक है पैरालिसिस, जिसको हम हिंदी में लकवा या फिर पक्षाघात भी कहते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत स्ट्रोक की बात भी करेंगे। लकवा जो ग्रस्त व्यक्ति होता है वो अपनी ज्यादातर मांसपेशियों को हिलाने डुलाने में, मतलब अपने अंग को मूवमेंट करने में उसको दिक्कतें होती हैं। वो हिला डुला नहीं पाते हैं, ये इसका एक लक्षण है। जब मांसपेशियों में किसी प्रकार की समस्या आ जाती है, जैसे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है या वहां पर कोई दिक्कत हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पर वो जहां की मांसपेशियों में ये दिक्कतें आती है, वो वाला अंग बॉडी का जो होता है, वो वाला पार्ट जो होता है, वो काम करना बंद कर देता है या फिर धीरे धीरे उसके काम करने की शक्ति खत्म होते जाती है, तो उसको हम कहते हैं लकवा। ठीक है। अब ऐसा होता है कि कभी रीढ़ की हड्डी में या फिर कुछ नर्व्स होती हैं डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऐसी दिक्कतें लकवा या फिर पैरालिसिस की दिक्कत हो सकती है। ठीक है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे स्ट्रोक की कंडीशन अगर है तो उसकी वजह से पैरालिसिस की कंडीशन हो सकती है। अगर किसी के सर में चोट आई है तो उसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है। किसी की अगर स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत आई है, रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, तो उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है, लकवा आ सकता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इसका कारण हो सकता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है। ठीक है। अब क्या होता है कि अगर बॉडी के शरीर का कोई एक लिम्ब, जैसे या तो हाथ या फिर पैर प्रभावित हो रहा है, उसमें कोई पैरालिसिस की कंडीशन हो रही है, तो उसको हम मोनोप्लेजिया कहते हैं। ठीक है। और अगर शरीर के एक तरफ का एक हाथ और एक पैर दोनों ही पैरालाइज की चपेट में आ गए हैं, तो उसको हम कहते हैं हेमिप्लेजिया। ठीक है। अगर नीचे जो लोअर लिम्ब है आपका, वो अगर प्रभावित हो रहा है, पैरों में अगर पैरालिसिस की कंडीशन आ जाती है, तो उसे पैराप्लेजिया कहा जाता है। अगर चारों मतलब दो हाथ और दोनों पैरों में, पूरी बॉडी में अगर पैरालिसिस की कंडीशन आ गई है, तो उसको हम टेट्राप्लेजिया या फिर क्वाड्रिप्लेजिया कहते हैं। ठीक है। तो कई बार जब शरीर के किसी भी अंग में मांसपेशियों में काम करना बंद कर देते हैं, तो उसकी वजह से पैरालिसिस की कंडीशन आ जाती है। इस स्थिति को हम पैल्सी भी कहते हैं। ठीक है। और नाम से इसे बेल्स पैल्सी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है चेहरे की मांसपेशियों को प्रभावित करता है। ठीक है। अगर बेल्स पैल्सी की कंडीशन होती है, तो आपका फेशियल पैरालिसिस की कंडीशन आ जाती है। ठीक है। तो उसके लिए क्या है, हम एग्जामिनेशन कराते हैं पेशेंट का, कई बार एक्सरसाइजेस, कई बार ऐसा होता है कि पूरी बॉडी अगर पैरालाइज्ड हो गई है, काफी टाइम हो गया है, तो उसमें ये भी है कि कभी कभी पेशेंट जो है बिस्तर में ही चला जाता है, तो हम उसको जो है कुछ एक्सरसाइजेस, योगा या कुछ मालिश वालिश या इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रो जो कुछ हमारी टेक्निक्स आई हैं, उसके द्वारा जो है उनको हम रिलीफ दिला सकते हैं, उनको रिलीफ दिला सकते हैं। अब क्वाड्रिप्लेजिया का मैं एग्जांपल देती हूँ। एक मूवी थी जिसमें ऋतिक रोशन है और उसमें उनकी पूरी बॉडी को पैरालिसिस था और वो व्हील चेयर पे ही थे, तो मतलब वो जो पेशेंट, अगर आप उन्होंने मूवी देखी है या देखेंगे, तो वो जो कंडीशन है वो क्वाड्रिप्लेजिया की है, कि पूरी बॉडी को पैरालिसिस की कंडीशन में आ जाना। उस टाइम उसमें क्या होता है, पेशेंट जो होता है अपने हाथ पैरों से कुछ भी करने के लायक नहीं रहता है, वो पूरी तरीके से दूसरों पर डिपेंड रहता है। अब पैरालिसिस के क्या लक्षण हो सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि कहीं पैरालिसिस की कंडीशन तो नहीं है। देखिए, अगर किसी का बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो अगर कभी भी हाथ पैरों में कोई झंझनाहट या फिर कुछ सुन्नपन जैसा लग रहा है, तो उनको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए, अपना चेकअप करा लेना चाहिए तुरंत। ठीक है। क्योंकि उसमें क्या है, बीपी हाई कंडीशन में जब ब्लड प्रेशर हर समय अगर हाई रहता है, तो वो भी हार्ट अटैक या फिर पैरालिसिस की कंडीशंस को कॉज कर सकता है, तो वहां पर आपको सतर्क रहना है। ठीक है। हार्ट के पेशेंट को और ब्लड प्रेशर के पेशेंट को। अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेसिव कंडीशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो वो भी पैरालिसिस का कंडीशन हो सकता है, बन सकती है। ठीक है। तो पहले बात तो क्या है कि जिस भी पार्ट में पैरालिसिस की कंडीशन होनी है, वहां पे सुन्नपन हो जाएगा या झुंझुनी जैसी होगी, पर पेशेंट को लगेगा झंझनाहट हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे खून का दौरान नहीं हो रहा है। कई लोग कहते हैं हाथ सुन्न पड़ जाता है, यहाँ पे ठंडा रहता है, एक हाथ बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है मेरा, और कभी कभी ऐसा लगता है कि इस हाथ से हम कुछ पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये लक्षण हो सकता है आने वाली कंडीशन के लिए। तो आपको सतर्क रहना है, आपको अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन उस पार्ट में प्रॉपर नहीं है, तो वो भी पैरालिसिस का कंडीशन हो सकता है, पैरालिसिस का कारण बन सकता है। ठीक है। इस तरीके से जैसे क्या होता है कि जिस बॉडी में अगर पैरालिसिस की कंडीशन होने वाली है, वहां पर जो है मैंने बताया है कि वहां पे जो काम करने की शक्ति होगी
वो कम होते चले जाएगी, मतलब कहते हैं चेतना जो है उसकी कम होती जाएगी, सुन्न हो जाएगा और उसका जो है कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा बॉडी के साथ। जिस पार्ट में आपके पैरालिसिस की कंडीशन होने वाली है उसका बॉडी के सारे पार्ट्स का कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, मतलब असमन्वय हो जाएगा। ठीक है, सिर में दर्द होगा, अगर ऐसा कोई दिक्कत होने वाली है तो सिर दर्द होगा, दर्द बहुत तेज भी हो सकता है। ठीक है, और कभी कभी बहुत दिक्कत होने से सर फट जाएगा, अगर पेशेंट बहुत बेचैन हो जाता है, सांस लेने में कठिनाई होगी पेशेंट को, मुंह से लार भी गिर सकती है, लार गिरना, सोचने समझने बोलने में और लिखने पढ़ने में कठिनाई, मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा दिमाग में उसको पेशेंट को, और व्यवहार भी चेंज होगा, मूड भी चेंज हो जाएगा पेशेंट का, इरिटेशन हो जाएगी, बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ सकता है, रोना आ सकता है, इस तरीके से मूड चेंज हो सकता है पेशेंट का। दूसरी बात, यूरिनरी ब्लैडर में भी इसके मतलब सिम्टम्स आ जाएंगे कि क्या होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर होगा वो उसकी कंट्रोल करने में दिक्कत हो जाएगी, यूरिन पास हो जाएगी, पॉटी पास हो जाएगी, लैट्रिन निकल जाएगी पेशेंट की, मतलब वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता, जो मसल्स हैं वो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं। तो इस तरीके की दिक्कतें पेशेंट को होने लग जाती, सुनने में दिक्कत होना, देखने में दिक्कत होना, उल्टी जैसा होना, कभी कभी उल्टी नहीं होती तो जी मिसलाता है पेशेंट का, इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं जब पैरालिसिस की कंडीशन होने वाली होती है। अब पैरालिसिस के क्या क्या कारण हो सकते हैं, मैंने अभी पहले भी बताया, स्ट्रोक है, ट्रामा, आघात अगर कोई लगा है, पोलियो भी इसका कारण हो सकता है। ठीक है, सेरिब्रल पैलसी, अगर आपके मतलब फेशियल अगर पैरालिसिस है तो उसमें सेरिब्रल पैलसी उसका कारण बन सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया, पार्किंसंस डिजीज हो गई, ठीक है वो भी पैरालिसिस का कारण हो सकता है, बॉटुलिज्म हो गया वो भी पैरालिसिस का कारण, स्पाइना बाइफिडा हो गया, स्पाइना बाइफिडा एक जन दोष होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी के अनुचित ढंग से मतलब हड्डी जो होती है वो अनुचित ढंग से बंद हो जाती है। ठीक है, तो स्पाइनल बाइफिडा कहते हैं, ये एक बाय बर्थ दिक्कत होती है पेशेंट को, तो इसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस मैंने बोला ही उसकी वजह से हो सकता है, और एक सिंड्रोम होता है। जब हम बात करेंगे कि अगर किसी पेशेंट को पैरालिसिस की कंडीशन आ गई है तो हम उसकी केयर कैसे करेंगे, कैसे उसका आपको ध्यान रखना है, तो अगर कोई पैरालिसिस का पेशेंट आपके घर में है तो वो अगर एक ही पोजीशन में 2-3 घंटे तक रहेगा तो वहां पर जो एरिया उसके बिस्तर के कॉन्टेक्ट में आएगा, बॉडी पार्ट आएगा, वहां पर क्या होता है छाले हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं बेड सोर। तो आपको क्या करना है, पेशेंट की पोजीशन चेंज करते रहना है, उसकी करवट जो है बदलवाते रहना है, कभी पीठ के बल लिटा सकते हैं आप। ठीक है, रोजाना कुछ घंटों के भीतर उसकी अवस्था जो है चेंज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसको बेड सोर्स हो सकते हैं, जैसे उसके बटक्स का एरिया है तो वहां पर बेड सोर हो जाएंगे, फफोले पड़ जाएंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या करना है, पेशेंट की सफाई का भी बहुत ध्यान रखना है। अगर पेशेंट के बेड सोर हो गए हैं तो लगभग दिन में 2-3 बार जो है सेविलॉन का पानी लेके उससे रुई के फाये से उसकी क्लीनिंग करनी है, जैसे कि वो एरिया बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो उसमें, क्योंकि क्या होता है कि जो बटक्स का एरिया होता है, जैसे शरीर के जो अंग होते हैं वहां पर कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स होती है जो एक ही पोजीशन में अगर पेशेंट लेटा रहेगा तो वहां पर प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है तो वहां पर फोड़े या फिर छाले बन जाते हैं और जो कि दर्द करते हैं या पेशेंट के लिए भी कंडीशन खराब कर सकते हैं। तो वहां पर आपको क्या करना है, 2-3 बार दिन में रुई के फाय से सेविलॉन के पानी से क्लीनिंग करनी है पेशेंट की। ठीक है, दूसरी बात, व्यायाम कराना कभी ना भूलें, एक्सरसाइज कराएं पेशेंट को, ऐसा नहीं है कि पेशेंट अगर पैरालाइज्ड है तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया, उसको कुछ नहीं कराना, ऐसा नहीं है, उसको एक्सरसाइज करानी है आपको। ठीक है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कराते रहना, जैसे उसके हाथ पैरों की एक्सरसाइज, उसके पैरों की एक्सरसाइज, इस तरीके से उसको एक्सरसाइज कराते रहें। ठीक है, और दूसरी बात, अगर कोई पैरालाइज पेशेंट किसी के घर में है तो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करें, ध्यान रखें, अटेंटिव नेचर होना चाहिए, बिकॉज पेशेंट को अगर आपने अकेला छोड़ दिया है, ऐसा कुछ कर दिया तो वो गिर सकता है, किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पेशेंट को बाथरूम में, सीढ़ियों में, कमरे में या फिर ऐसी जगहों पे प्रोटेक्शन करना है। अगर आप हर समय उनके साथ नहीं रह सकते तो ऐसा कुछ प्रोटेक्शन करना है जिसको पकड़ सके या फिर उनको गिरने से वो चीज़ बचा सके। तो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, जैसे आप वॉकर यूज कर सकते हैं, वॉकर के सहारे पेशेंट को आप दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं जिससे कि वो गिरे ना, और थोड़ा सा उनकी केयर करें। ठीक है, दूसरी बात, कुछ सहायक जो होते हैं उपकरण होते हैं, कुछ ऐसे आते हैं आजकल जिनको आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि सहायता के लिए आप क्या होते हैं, जैसे रोजाना आप काम, जैसे खाना, नहाना, कपड़े पहनना आदि जो है, इसके लिए आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि
जैसे कि आपको क्या नाम है इसका, रिसर्च और या सोक एड्स, ठीक है। ये कुछ उपकरण होते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं लकवाग्रस्त व्यक्ति के लिए, जिसमें वो खुद कपड़े बदलने में उसकी मदद कर सकता है थोड़ी बहुत, ठीक है। और उसमें आपको भी लगना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ दें पेशेंट को, ठीक है। और जैसे पेशेंट है उसको यूरिन पास कराने के लिए तो कैथेटराइजेशन करा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप मतलब कोई नर्स रख सकते हैं, मतलब पेशेंट की केयर प्रॉपरली करनी है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके घर में कोई पैरालाइज पेशेंट है तो आप प्लीज़ उससे बात करें, उसकी बातों को सुनने की कोशिश करें। अगर फेशियल पैरालिसिस है तो ऑब्वियसली पेशेंट जो है अच्छे से बात नहीं कर पाएगा, बोल नहीं पाएगा, फिर भी पेशेंट कोशिश करता है कुछ ना कुछ बताने की, कहने की, तो आपको उसकी बातों पर ध्यान देना है, आपको समझने की कोशिश करनी है, उससे बातें करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको अकेला छोड़ दिया, उससे उससे क्या है, उसको मोरल सपोर्ट मिलेगा पेशेंट के साथ। ऐसे पेशेंट के साथ आपको क्या करना है, धैर्य रखना है, पेशेंट के साथ धीरे धीरे बोलना है, उसकी बातों को ध्यान से सुनना है, उसको समझने की कोशिश करना है। कई बार पेशेंट इशारे से आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे तो उसको आपको रिपीट करके उससे पूछना है। जैसे कोई पेशेंट है आपको कहना चाहता है कि मुझे कुछ पानी चाहिए, तो पेशेंट इशारा कर सकता है, इस तरीके से इशारा कर सकता है, या हाथों में पैरालिसिस है तो आंखों से या मुंह से इशारा कर सकता है, या टंग से कह सकता है कि मुझे प्यास लगी है। तो आपको पूछना है कि आपको प्यास लगी है, तो पेशेंट कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्स देगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसके लिए करना है। तो उससे क्या होगा, पेशेंट को एक आत्मीयता लगेगी, या फिर उसको जब लगेगा कि आप उसे मोरल सपोर्ट कर रहे हैं तो पेशेंट की रिकवरी करने में ज़्यादा मदद मिलती है। पेशेंट जो है जल्दी ठीक होने की कोशिश करता है, उसके अंदर जीने की जो है इच्छा पैदा होती है, तो उससे ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। रोगी को, जो पेशेंट आपके पास है, आपका हॉस्पिटल में हो चाहे घर में हो, तो आपको उसको मतलब प्रोत्साहित करना है, उसको हार नहीं मानने देनी है। आपको ये नहीं कहना है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, या हाय तुम तो पैरालिसिस में हो गए हो, अब तुम कैसे चलोगे, ऐसा कुछ नहीं कहना है। उनको जल्दी रिकवरी करने के लिए उनको मोरल सपोर्ट, पूरा मोरल सपोर्ट देना है पेशेंट को, जिससे कि वो जल्दी रिकवर कर सके और जल्दी ठीक होने की अपने अंदर भी उसके अंदर कोशिश हो सके, ठीक है। अब पैरालिसिस अगर किसी पेशेंट को हुआ है तो आपको क्या टेस्ट कराने, जैसे एक्सरे कराना पड़ेगा पेशेंट का, ठीक है, रीढ़ की हड्डी का, गर्दन का आप एक्सरे करा सकते हैं, सीटी स्कैन कराएं। सीटी स्कैन जैसे रीढ़ की हड्डी का, अगर कोई बहुत ज़्यादा कोई चोट वोट लगी है पेशेंट की, पेशेंट का अटेंडेंट आ रहे हैं कह रहे कि एक्सीडेंटल के बाद ऐसा हुआ है, तो वहाँ पे आपको इनका सीटी स्कैन एमआरआई पेशेंट का कराना है, माइलोग्राफी करानी है पेशेंट की, ठीक है। रीढ़ की हड्डी की नसों में जो कुछ क्या नाम है उसका लिगामेंट्स होते हैं, वहाँ पे क्या रहता है, कुछ अगर डिफेक्ट्स आ जाते हैं, कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, या फिर उनके अंदर जो जैसे कुछ फ्लूड भरा होता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो आपको क्या है, माइलोग्राफी करानी पड़ती है पेशेंट की, ठीक है। तो माइलोग्राफी में ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं, ठीक है, जिससे एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन ये सब तो दिखता ही है, तो माइलोग्राफी करा लें, ठीक है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी कराएं। इलेक्ट्रोमायोग्राफी में क्या होता है, वही होता है कि अगर अक्सर बेल्स पैल्सी की कंडीशन में क्या होता है, चेहरे में मैंने कहा पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस हो जाता है, तो इसके में इलेक्ट्रोमायोग्राफी कराते हैं, जिससे पेशेंट को अगर आप डायग्नोस कर सकें अच्छे से, उसको अच्छे से ट्रीटमेंट दे सकें, ठीक है। अब होम्योपैथिक मेडिसिन में भी पैरालिसिस के बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हैं। मैंने खुद मतलब यहाँ पे ही हमारे यहाँ एक पेशेंट हैं, वो चाय बेचते थे, मतलब हमारा क्लिनिक है बस थोड़े से दूर पे ही है, तो उनको पैरालिसिस हो गया था, उनको पैरालिसिस हुआ था, उनके पैरों में पैरालिसिस की कंडीशन आ गई थी, तो हमने मेडिसिन दी थी उनको, होम्योपैथिक मेडिसिन, जिससे काफ़ी रिकवर हुए वो, उसके बाद वो चलने भी लग गए थे धीरे धीरे, उनके जो अटेंडेंट थे फिर उनको टहलाने भी ले जाते थे मॉर्निंग में, और काफ़ी हद तक वो ओल्ड एज पेशेंट थे और चलने लग गए थे, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। इसी तरीके से जो है फेशियल पैरालिसिस अगर किसी को है, क्योंकि एक महिला आती थी उनका बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा पैरालिसिस की कंडीशन आ गई थी, तो वहाँ पे हमने कॉस्टिकम मेडिसिन दी थी जो कि बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और वो पेशेंट अब ठीक है। तो इस तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन जो है बहुत अच्छी होती है पैरालिसिस के लिए। बस ये है कि इसमें जो है आपको देखना है कि पेशेंट को केस हिस्ट्री लेनी है आपको प्रॉपर अच्छे से, कि दिक्कत क्या हुई थी, आखिर पैरालिसिस की कंडीशन आई क्यों, कोई दिक्कत ऐसी डिप्रेसिव कंडीशन थी, कोई आघात या स्ट्रोक हुआ था, या फिर कोई कभी बिजली के करंट लगने की वजह से भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी इसका कॉज हो सकती है, या फिर कोई ऐसी बीमारी हुई थी जिसकी वजह से पैरालिसिस हुआ है, या फिर रीढ़ की हड्डी में कोई चोट या एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था जिसकी वजह से ऐसी दिक्कत हुई, उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट की मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं।
फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हम बात करते हैं एग्रीकस की। एग्रीकस जो है ऐसे पेशेंट को दी जाती है जिसमें सोल्स में उनके क्रैम्प्स होंगे और पैरालिसिस की कंडीशन हो जाएगी पैरों में, और उसके साथ साथ हाथ पैरों में भी जो है स्पाज्म्स आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दिक्कत हो सकती है। एक्सट्रीम सेंसिटिविटी होती है स्पाइनल टच के लिए। ठीक है, तो वहां पर एग्रीकस जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है, पेशेंट को हम दे सकते हैं। कॉस्टिकम जो है मैंने अभी बताया कि पेशेंट को अगर फेशियल पैरालिसिस है तो वहां पर भी कॉस्टिकम बहुत अच्छा काम करती है। पैरालिसिस अगर पेशेंट को मेंटल शॉक की वजह से हो रहा है या फिर टाइफॉइड डिप्थीरिया के बाद पेशेंट को पैरालिसिस की कंडीशन हुई है, ठीक है, और पेशेंट की आईलिड्स, टंग, वोकल जो कॉर्ड है, फेस, हैंड, लैक्स, ब्लैडर, ये अगर अफेक्टेड हो रहे हैं पैरालिसिस से और उसमें क्या है कि राइट साइड की दिक्कतें ज्यादा हो रही है, तो वहां पर कॉस्टिकम जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है पैरालिसिस के लिए। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे जलसीमियम हो गई। जलसीमियम भी पैरालिसिस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें क्या होता है कि इसमें मसल्स जो होती हैं उसमें, जैसे आई की, थ्रोट की, गले की, और वॉइस बॉक्स जो हो गया, चेस्ट हो गया, और इस तरीके से जो यहाँ की जो मसल्स होती हैं वो अफेक्टेड हो जाती है, वहाँ पे पैरालिसिस की कंडीशन हो जाती है। दूसरी बात, आफ्टर डिप्थीरिया पैरालिसिस की अगर कंडीशन हो रही है तो वहाँ पर जलसीमियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट की मसल्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, टायर्डनेस हो जाती है, लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन हो जाता है, मैंने बताया ही था, डलनेस, डिजीनेस सिम्टम आते हैं, ड्राउजीनेस हो जाती है, ट्रैवलिंग एंड कन्फ्यूजन हो जाता है माइंड में पेशेंट को, हैवीनेस ऑफ आईलिड्स, पेशेंट को हमेशा ऐसा लगे कि नींद आई है, सुस्ती जैसी लगती है, इनएबिलिटी टू ओपन आई, मतलब वो आंखें ही नहीं खोल पाएगा, इतना ज़्यादा नींद, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लीपी फील करता है पेशेंट को। ठीक है, और जो आंखों की मसल्स होंगी उसमें ट्विचिंग होगा और नर्व पेन होता है, तो वहाँ पर जो है जलसीमियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छा काम करती है पैरालिसिस के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो है प्लम्बम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है पैरालिसिस के लिए। प्लम्बम जो है होम्योपैथिक मेडिसिन ही होती है, जो कि प्लम्बम वहां पर भी देते हैं, ऑप्शनिस्ट कॉन्स्टिपेशन जहां होता है, क्योंकि ब्लैडर, जहां पे ब्लैडर में पैरालिसिस की कंडीशन आ जाती है, और रेक्टल पैरालिसिस के लिए भी प्लम्बम बहुत अच्छी मेडिसिन है। नक्स वोमिका भी बहुत अच्छी दवाई है पैरालिसिस के लिए। इसमें क्या होता है कि नर्व्स में इरिटेबिलिटी हो जाती है और बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा पेशेंट, और कमजोरी तो हो ही जाती है, हाथ पैरों में वीकनेस हो जाएगी बहुत ज़्यादा, पैरालिटिक कंडीशन आएगी तो, और फीलिंग होगी कि उसे लगेगा कि उसके हाथ पांव सो गए हैं, मतलब हाथ और पैरों में जान जैसी ही नहीं रहेगी, पेशेंट को लगेगा कि हाथ पांव बिल्कुल सो गए हैं, मतलब कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं मेरा पैर सो गया काफ़ी देर बैठने के बाद, पैर को मूव कराने में टाइम लग जाता है, तो इस तरीके से हो सकता है। और ड्रैगिंग ऑफ फीट वाइल वॉकिंग, इस टाइप के सिम्टम्स जो है पेशेंट में आएंगे, ये नक्स वोमिका का पेशेंट है। और फॉस्फोरस भी पैरालिसिस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसमें क्या होता है कि ट्रैवलिंग होगी हाथ पैरों में, ट्रैवलिंग हो जाती है, नमनेस होगी हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा, और बर्निंग इन फिट, मतलब पैरों में जलन होती है। ठीक है, तो फॉस्फोरस वहाँ पर बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। और पेशेंट को दिक्कत होगी होल्डिंग, डिफिकल्ट इन होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स, कोई भी चीज़ नहीं पकड़ पाएगा। अगर आप पेशेंट को कहोगे कि इसको पकड़ो या रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, वो कह पेशेंट को कहोगे कि कुछ पकड़े, हाथ में कुछ भी पकड़ने के लिए कहेंगे तो वो उसे होल्ड नहीं कर पाएगा, आपका हाथ भी जो है वो होल्ड नहीं कर पाएगा, तो उस तरीके की दिक्कतें पेशेंट को हो जाती है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।